एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पीएम मोदी ने तो राहुल गांधी को धोकर रख दिया, सुनकर कांग्रेस रो दी। तो सभी दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो हर बार की तरह दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारी सी कमेंट जो आपसे हर बार मांगते हैं दोस्तों, दिल से मांगते हैं क्योंकि आप हमारे एक फैमिली हो, इसलिए एक प्यारी सी कमेंट लिख दीजिए। और वीडियो में कुछ आपको चेंजेस करने जैसा लगे तो प्लीज आप हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा। हमारा मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, मेल भी आप कर सकते हो और मेल के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और जल्द ही हम कोई भी और एक सोशल मीडिया अकाउंट ऐड कर देंगे ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान खत्म हो गई, ताला लगने की नौबत आ गई। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। सही बात है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए, और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए, और मैं हमेशा चाहता कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे, आप लोग कहते दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। यहां हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूं आज, माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूं आज।
हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं, उसको तो मैं स्वागत करूंगा। 10 लोग प्रगति करें, मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए, स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है। और इसलिए अच्छा हुआ दादा, थैंक यू, ये विषय कभी बोलता नहीं था, आज बोल दिया मैंने। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला, और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्ष जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। सही बात। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए, तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए। आदरणीय मोदी साहब ने जो बताया, आज सत्य पे बात हुई। देखो, यही तो रीजन था। मोदी जी हर बार बोलते हैं परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद,
तो उस समय जब मतलब ये पिछले जो 5 साल है उस समय जब इलेक्शन हुए थे तब एक क्वेश्चन बहुत उठा था अमित शाह जी का, अमित शाह जी के जो बेटे हैं जय शाह, जो जो भी वो भी मंत्री है, तो आज क्लियर कर दिया कि जो भाजपा है मतलब बीजेपी जो है वो किसको परिवारवाद के लिए, परिवारवाद यानी कि इन एक एक टाइप से बिजनेस हो गया जो पार्टी चलाती है परिवार, मतलब जो हमें वारसा में मिलते हैं मतलब एक के बाद एक वारसदार बनता जा रहा है बनता जा रहा हाँ, है, ठीक है, तो ये खतरा है देश के लिए और ये मतलब सही बात है हाँ, और एक पार्टी परिवार चलाता है, पूरा परिवार मिलकर पार्टी चलाता है बिल्कुल, ऐसा, और और फैसले सब वो परिवार ही लेता है, बिल्कुल, तो और इसीलिए तो किसी को कांग्रेस को हाँ छोड़ दिया, इसीलिए बहुत तो उसको सारे परिवारवाद कहते हैं। बड़े बड़े राजनेताओं ने कांग्रेस को छोड़ने का रीजन यही था, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन वाली सरकार जहां जहां बनी थी वहां टूटने का रीजन भी वही था, परिवारवाद, सबने बोला है कि रीजन परिवारवाद। क्योंकि किसी को मौका ही नहीं मिलता, अगर कि कोई बोले तो उन लोगों को खतरा महसूस होता है, तो फिर उसको ऊपर नहीं आने देते हैं। और ये परिवारवाद होना ही नहीं चाहिए, कांग्रेस की जो दुकानें हैं वो बंद होने को आई है, पता नहीं अब तो राहुल गांधी जी अभी अनमेरिड है मतलब शादी नहीं हुई है, तो आगे और परिवारवाद होगा वो या नहीं होगा वो तो नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा नहीं मत मानना कि कांग्रेस में भी बहुत सारे टैलेंटेड राजनेताएं हैं, हाँ, वो खुद जो हमारे प्राइम खुद मिनिस्टर खुद मोदी जी बोल मोदी रहे जी हैं ना बोलते हैं यंग कि बहुत यंग हाँ यंग लोगों की तो जरूरत ही है राजनीति में। और आए तो बहुत ही अच्छी बात है, यंग यंग वहां पे मतलब राजनीति में जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो वहां अभी जो राजनेता करंटली है उसकी जो एज है वो रिटायर के आर पार पहुंचने आए हैं, तब तक वो जो यंग है वो पूरा सीख ले अच्छे हाँ, से ट्रेन हो जाए एक्सपीरियंस हो तो जाए। उसके बाद वो कमाल देश की संभाल दे संभाल सके, ऐसे हो जाए तो मोदी जी भी निवृत्त हो जाए, मोदी जी का इशारा आप समझना बहुत जरूरी है, यंगस्टर का बोलना भी यही महत्वपूर्ण था कि भाई अब जो राजनेता जैसे कि अमित शाह जी है फिर मोदी जी है फिर गडकरी साहब है, तो अब इन लोगों धीरे धीरे करके ज्यादा से ज्यादा मोदी जी जैसे कि 5 साल उसके बाद निवृत्ति है, अमित शाह जी मैक्स टू मैक्स 10 ईयर, फिर गडकरी साहब, तो ठीक है ये अब निवृत्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, तो उसके बाद भी कोई एक अच्छा लीडर चाहिए जो देश की कमान संभाल सके, इसलिए यंगस्टर को बोला जाता है ताकि यंगस्टर तब तक उन 5 सालों में या आने वाले 10 सालों में अच्छे से सीख ले और ये परिवारवाद खत्म हो जाए और देश एक अच्छे हाथों में जाए, यही प्लान है जहां तक मैं मान सकता हूं, बाकी तो मेरे को नहीं पता, बाकी जो विरोध पक्ष है उसका काम है हर एक चीज में विरोध निकालना, हाँ, और एक स्ट्रॉन्ग मतलब विरोध पक्ष तो होना ही चाहिए, वो वो तो देश होना देश चाहिए हित में भाई, होता है। और कोई भी पार्टी मैं बीजेपी हो या कोई भी पार्टी सत्ता में हो उसके सामने जो विपक्ष हो वो विपक्ष पूरा स्ट्रोंग होना चाहिए, यंग टैलेंट से उभरा हुआ होना चाहिए, हाँ, तब मजा आता है देश की राजनीति में, ओरिजिनल राजनीति तब स्टार्ट होती है, अभी क्या है कि जो विपक्ष है उसमें भी गठबंधन हो रहा है, ये हो रहा है फलाना ढिमकाना, गठबंधन हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा बिल्कुल है, वही हाँ, हो रहा है। तो इसी फिर तो बीजेपी को क्लियर है कि वोट मिलने ही वाले हैं भाई, ये कई बार जब पहले भी कांग्रेस थी तो ज्यादा मार्जिन से नहीं जीतती थी, रीजन यही था कि बीजेपी हाँ, विपक्ष में थी स्ट्रॉन्ग थी मतलब स्ट्रांग थी, टाइम लगा उसको दोबारा दिल्ली की गद्दी संभालने में थोड़ा टाइम लगा, वाजपेयी जी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आई तो बीजेपी आई, हाँ, तो ये कांग्रेस भी कर सकती है, बट नहीं उनको बस यही करना है परिवारवाद, हाँ, जब मतलब कंपटीशन में एक हेल्दी कॉम्पिटिटर हो तो वो मजा आता है जीतना भाई, बहुत ही मजा आता है, और उसमें हेल्दी जनता कंपटीशन हो उसमें जाती जनता का फायदा होता है, हाँ, और जहां पे विपक्ष स्ट्रोंग नहीं होता है वहां पे जनता का फायदा बहुत कम मात्रा में होता है, वहां पे भी जनता का फायदा ही होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, तो बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएं, दोस्तों आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, हमें बहुत पसंद आता है आप हमारे साथ जुड़ते हो तो कमेंट का आंसर देने में, हम मतलब बोलते ना कि भाई खुश होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, और ऐसा मत समझना कि हम हमारा जो फायदा है वो आपको नहीं दिखा रहे भाई, उसमें हमारा ही फायदा है, आपको हम क्लियर बताते हैं, कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, ये वीडियो भी हम आपके लिए बनाते हैं और हमारी ऑडियंस के लिए बनाते, जो ऑडियंस हमें प्यार देती है उसके लिए बनाते हैं, उसके लिए आपको एक काम भी करना रहेगा, आपको भी हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए यूट्यूब फैमिली के लिए आपको छोटा सा काम है वो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो आपको पसंद नहीं आता है प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म कीजिए कि क्या हम जो वीडियो आप देख रहे थे वो वीडियो हम दोबारा लाए, उसके रिलेटेड वीडियो लाए या नहीं, मैंने क्या ऐसा दूसरा ही वीडियो लाए लेकिन उसके रिलेटेड वीडियो हम लाए या नहीं, जैसे लाइक उस हम टॉपिक मतलब बिल्कुल ज्यादातर उस टॉपिक से
अभी एक दो जो मित्र है हमारे, मित्र मतलब जो YouTube फैमिली हमारे, उन्होंने सजेस्ट किया है कि हमारे देश के जो मुद्दे हैं वो उसके ऊपर रिएक्शन लाया जाए। तो हम धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारे देश में हो रहा है उसके रिलेटेड हम वीडियो लाए, और थोड़े बहुत पाकिस्तान के भी वीडियो लाते हैं, छोटे बांग्लादेश के है या म्यांमार के छोटे छोटे वीडियो हम और भी लाते हैं। बट ट्राई कर रहे हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आता है, आपकी पसंद के हिसाब से हम वीडियो लाते रहते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप प्लीज हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ प्यार से दिल से। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।